बॉर्नविटा या फिर कॉम्प्लान पीने से क्या हाइट सच में बढ़ती है? और अगर सांप को नमक के घेरे में डाल दिया जाए तो क्या होगा? और क्या होगा अगर आपको अपनी मौत का दिन पता चल जाता है तो? और दुनिया की सबसे मुश्किल एग्जाम कौन सी होती है? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों आज मैं आपको ऐसा होटल दिखाने वाला हूँ जो कि बस पानी में बना नहीं है बल्कि उसके ऊपर तैरता भी है। ये फ्लोटिंग होटल ऑस्ट्रेलिया में बना था और अब ये फ्लोट होते होते नॉर्थ कोरिया के पास से गुजर रहा है। ये होटल पानी में यहाँ से वहाँ तैरता रहता है और इस होटल में टूरिस्ट के खेलने के लिए प्लेग्राउंड भी मौजूद है। और इस पानी के ऊपर तैरने वाले होटल का नाम है होटल हेंग्युमगैंग। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों क्या आप जानते हो कि साल 2002 में शो टाइम नाम की एक मैगजीन ने ये पब्लिश किया था कि ऋतिक रोशन का एक्टिंग करियर अब खत्म हो चुका है और उनकी सारी मूवीज फ्लॉप हो रही थी। और शो टाइम का ऐसा कहना था कि अब से उन्हें कभी भी मूवीज में काम नहीं मिलेगा और अब वो ज्यादा वक्त तक एक्टिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब उसके 19 साल बाद ऋतिक रोशन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल एक्टर है और उल्टा जो शो टाइम मैगजीन थी वो खुद बंद हो चुकी है। अब दोस्तों इसी बात पर ऋतिक रोशन के लिए एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों क्या आप जानते हो कि एक ऐसा आदमी है जिसने सिर्फ पानी बेच के 750 करोड़ रुपए कमा लिए। आपको पता होगा कि बिस्लेरी की बॉटल्स 20 रुपए की आती है और कुछ ऐसे भी पानी के ब्रांड्स आते हैं जो कि बहुत महंगे होते हैं। तो 50 सेंट नाम के एक अमेरिकन रैपर ने अपने बॉटल्स पे एक स्पेशल चीज डाल दी और अच्छे से ब्रांडिंग कर दी और ऐसा करके 50 सेंट रैपर ने 750 करोड़ रुपए कमा लिए। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों इस वीडियो में एक आदमी ने एक बच्चे को समझाते हुए एक सांप को एक नमक के सर्कल के अंदर रख दिया लेकिन सांप बिना किसी डर के इस सर्कल को पार कर गया। इसका मतलब साफ है कि सांप की स्किन पर नमक का कोई भी असर नहीं होता। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों क्या आप जानते हो कि शाहरुख खान के पास एक लेमोजिन कार है जो कि 100 मीटर लंबी है लेकिन इस लेमोजिन कार में हर कोई नहीं बैठ सकता। इस लेमोजिन कार में बस कुछ लोग ही बैठ सकते हैं जिसमें आते हैं खुद शाहरुख खान, उनकी फैमिली और पीएम मोदी। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कभी दुबई जाते हैं तो वो शाहरुख खान की इस लेमोजिन कार को यूज कर सकते हैं और दुनिया में किसी को भी इस कार में जाने की इजाजत नहीं है। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों अभी आप जो इंटरनेट यूज कर रहे हो उसे देखकर आपको लगता होगा कि ये इंटरनेट आपके पास सैटेलाइट से पहुंच रहा है लेकिन ऐसा नहीं है। ये इंटरनेट आपके पास पानी के अंदर से पहुंचता है। पानी के अंदर बहुत ही ज्यादा मजबूत पाइपलाइंस बिछाई होती है जिसके अंदर से इंटरनेट केबल जाती है और अब तक पानी के अंदर 1.2 बिलियन यानी कि करीब 120 करोड़ किलोमीटर जितनी लंबी इंटरनेट की केबल मौजूद है। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो ज्यादा पानी पिएंगे तो उनकी किडनी और शरीर एकदम तंदुरुस्त हो जाएगा लेकिन ये एक झूठ है। अगर आप कम पानी पियोगे तो यकीनन आपकी किडनी पर असर पड़ेगा और आपकी किडनी खराब हो जाएगी लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप बहुत ज्यादा पानी पियोगे तो आपकी किडनी साफ रहेगी बल्कि किडनी को इतना ज्यादा पानी फिल्टर करने में और भी ज्यादा समय लगेगा जिस वजह से उसके ऊपर लोड पड़ेगा और इसलिए आपको ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। किडनी को ज्यादा पानी पीने से वाटर इंटॉक्सिकेशन भी हो सकता है। अगर किडनी को हेल्दी रखना है तो डिसेंट अमाउंट में पानी पीने के साथ साथ एक्सरसाइज और आलतू फालतू चीजें ना खाने पर भी ध्यान देना चाहिए। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों क्या आप जानते हो कि एक ऐसा पक्षी है जो कि दूसरे पक्षियों का दिमाग खा जाता है और ये कोई मुहावरा नहीं है, वो सच में दिमाग खा जाता है। और दरअसल ये कोई और पक्षी नहीं बल्कि वुडपेकर पक्षी है। जब वुडपेकर को बहुत ही ज्यादा भूख लगती है तो वो और कुछ नहीं करता बल्कि दूसरे पक्षियों के ऊपर बैठकर वो अपनी चोंच से उनके सिर पर बार बार मारने लगता है और हकीकत में उनका दिमाग खा जाता है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों अगर हमने कुछ उल्टा फुल्टा खाना खा लिया तो हमें तुरंत उल्टी आ जाती है लेकिन क्या आपको पता है कि जो घोड़े होते हैं वो कभी भी उल्टी नहीं कर सकते क्योंकि उनका जो इसोफेगस स्फिंक्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। हमारे बॉडी में भी ये पार्ट होता है और इसी की वजह से हमारा खाना पेट से बाहर नहीं आ पाता लेकिन उल्टी के समय प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि हमारा स्फिंक्टर खुल जाता है और हमारा खाना मुंह से बाहर आ जाता है लेकिन घोड़े के अंदर ये स्फिंक्टर इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वो चाहकर भी उल्टी नहीं कर सकते। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जिन लोगों की दाढ़ी जल्दी शुरू होती है उनके गंजा होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है यानी कि वो जल्दी टकले हो जाते हैं हेयर फॉल या फिर किसी और रीजन की वजह से। इसके पीछे कई सारे साइंटिफिक रीजंस हो सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट रीजन का पता नहीं चल पाया है पर ज्यादातर केसेस में ये सच ही पाया गया है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों स्क्विड गेम कितना पॉपुलर हुआ है ये तो आपको पता ही होगा लेकिन 10 सालों तक इसे रिजेक्ट किया गया था। सबको लगा था कि ये मूवी बहुत ही अनरियलिस्टिक है और ऐसी मूवी कोई भी नहीं देखेगा और साल 2018 में इसे नेटफ्लिक्स ने एक्सेप्ट किया और एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसे ऐसे ही डालकर देखा और अब इस सीरीज ने नेटफ्लिक्स के कई रिकॉर्ड्स को बस 3 हफ्तों के अंदर तोड़ दिया है। फैक्ट नंबर 9। क्या आप जानते हो कि एक रिसर्च में ये पाया गया है कि जो लोग कम सोते हैं वो झूठ बोलना या चीटिंग करना यहाँ तक कि चोरी करना भी शुरू कर देते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के लिए नींद एक अपग्रेड की तरह काम करती है। ज्यादा सोना भी बुरा होता है। जो आदमी प्रॉपर टाइम टू टाइम सोता है वो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड और शांत होता है इसलिए अच्छी नींद को इम्पोर्टेंस देना जरूरी है।
फैक्ट नंबर 8। दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि चींटियां सारे अनाज और बीजों को अपने बिल में स्टोर कर देती है, और साइंटिस्ट को हाल ही में ये पता चला है कि चींटियां जब ऐसा करती है तो वो हमेशा बीजों को 2 टुकड़ों में काट देती है, और जो धनिया का बीज होता है वो उसे 4 टुकड़ों में काट देती है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो उस बीज में से एक पौधा उग सकता है, और इसकी वजह से एक तो उनका खाना चला जाएगा और दूसरा उनका बिल भी अंदर से पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। अब चींटियों के पास इतना दिमाग कहां से आया, ये अपने आप में एक रहस्य है, और इसलिए कहा जाता है कि कुदरत सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों एक बार इस फोटो को देखो, ये कवर है हॉलीवुड के स्टार आर्नोल्ड श्वाइजरनेगर के फोन का, और ये जो कवर है उसके ऊपर भी आर्नोल्ड ही है, यानी इन्होंने अपने फोन के लिए अपना ही कवर रखा है, और आप देख सकते हो कि फोन का कैमरा गन के फायरिंग नॉजल जैसा लग रहा है, जो कि बहुत ही फनी है, और ये फोटो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ था। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों इंडिया में पान थूकना कितना कॉमन है ये तो आपको पता ही होगा। सिर्फ पान थूकने की वजह से इंडियन रेलवे को ट्रेन साफ करने के लिए हर साल 1200 करोड़ खर्च करने पड़ते हैं, और बस यही नहीं, बस पान थूकने की वजह से ट्रेन को साफ करने में 4 गुना ज्यादा पानी चाहिए होता है। अगर लोग रेलवे जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पान थूकना बंद कर देंगे तो ट्रेन साफ करने का खर्चा बस 400 करोड़ जितना ही होगा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों क्या आप जानते हो कि अर्थ कभी भी एक जैसी स्पीड में नहीं घूमती, यानी मार्च में अर्थ जिस स्पीड से घूमती है सितंबर में उस स्पीड से नहीं घूमती, ये हर सीजन में अलग अलग स्पीड से रोटेट करती है। गर्मी के सीजन में अर्थ स्लो घूमती है और सर्दियों के मौसम में फास्ट घूमती है, और यही रीजन है कि गर्मियों के दिनों में दिन बड़े होते हैं और सर्दियों में दिन छोटे। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों इस स्कल्पचर देख रहे हो, इसे सिर्फ टूथपिक से बनाया गया है, और इसको बनाने वाले इंसान का नाम स्कॉट वीवर है, जिसकी फैमिली 3 पीढ़ियों से सैन फ्रांसिस्को में रह रही थी, और स्कॉट को इस स्कल्पचर को बनाने में टोटल 35 साल लगे, और इस स्कल्पचर को बनाने में इन टोटल 100,000 टूथपिक्स लगे थे। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि आखिर दुनिया की सबसे मुश्किल एग्जाम्स कौन सी होती है? अगर आप इंटरनेट के ऊपर इसके बारे में सर्च करते हो तो आपके सामने 2 एग्जाम्स आएंगे। पहली एग्जाम का नाम है गाओकाओ। दोस्तों ये एक चाइनीज एग्जाम होती है जिसे नेशनल हायर एजुकेशन एंट्रेंस एग्जाम भी कहा जाता है, और वही इसमें दूसरी एग्जाम है मास्टर सोमिलियर डिप्लोमा एग्जाम। ये एग्जाम यूके में लिया जाता है। इसे वाइन आइडेंटिफिकेशन के लिए दिया जाता है। इस एग्जाम में 3 सेशंस होते हैं। इसके फाइनल सेशन में स्टूडेंट को वाइन पीकर उसका नाम और डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताना होता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि अगर आपको अपनी मौत का सही समय पता चल जाए तो क्या होगा? अमेरिका के साइंटिस्ट ने एक रिसर्च में पाया कि जिन लोगों को अपनी मौत के बारे में पहले ही जानकारी मिल जाती थी वो आम लोगों से ज्यादा खुश और पॉजिटिव पाए गए थे। साइंटिस्ट ने यह बताया कि जिन लोगों को अपनी मौत का समय पहले ही पता था उनका दिमाग आम लोगों से ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स देता था। इसलिए दोस्तों मैं भी आपसे यही कहूंगा कि आप खुश रहो, चाहे आपको अपनी मौत का दिन पता हो या नहीं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों आपने टीवी में ऐसे एड्स तो देखे होंगे जिसमें बताते हैं कि कॉम्प्लान या फिर बॉर्नविटा पीने से बच्चों की हाइट बढ़ती है, लेकिन क्या ऐसा सच में होता है? तो चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों इंसानों की हाइट 2 बातों पर डिपेंड करती है। पहला ये कि उसके जेनेटिक्स कैसे हैं, मतलब उसके पापा मम्मी कितने लंबे हैं, और दूसरा कि बच्चे को किस तरह का न्यूट्रिशन दिया जा रहा है। अब ऐसे में कॉम्प्लान या इसी तरह के प्रोडक्ट्स जो हाइट बढ़ाने का दावा करते हैं उसमें बेसिकली न्यूट्रिशनल वैल्यू काफी ज्यादा होती है, लेकिन रियलिटी में ये न्यूट्रिशन हमें हमारे रोज के कॉमन खाए जाने वाले चीजों से भी मिल जाते हैं। इनफैक्ट हाइट बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि कॉम्प्लान या फिर बॉर्नविटा पिया जाता है दूध में घोलकर, और दूध में होता है लैक्टोमाइन जो कि हाइट को बढ़ाने में काफी हेल्प करता है। और इन सब बातों में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि रियलिटी में कोई भी प्रोडक्ट ये बात साबित नहीं कर सकता कि उसे खाने के बाद किसी इंसान की हाइट बढ़ सकती है, क्योंकि हर एक इंसान की हाइट अलग अलग तरीके से बढ़ती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसे कमाल की वीडियोस को आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और हाँ हमारी इन वीडियोस को भी जरूर देखना, ये भी काफी कमाल के बने हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।